नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे घी की। कितने कुछ ऐसे तरीके जो आम तौर पे घरों में काम लिए जाते हैं घी बनाने के लिए। ये जो घी हम बना रहे हैं इनमें कुछ फ़र्क हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। जो तो घी दूध से बनता है, दूध आजकल के बहुत ज़्यादा चलन में आने लग गए, चीज़ की मशीनें आ गई है जो कच्चे दूध से गर्म किए बिना दूध से ही क्रीम निकाल लेती है। तो एक तो उस क्रीम से लोग घी बना लेते हैं, फिर एक तरीके का जिसमें जो घरों में लोग काम ले लेते हैं क्योंकि मशीनें महंगी आती है तो वो हर कोई घर में काम नहीं ले सकता, तो लोग दूध गर्म करते हैं, उससे मलाई निकालते हैं, मलाई से घी बना लेते हैं। तीसरा है दूध का दही जमाते हैं और दही का बिलौना करते हैं, वो जो पहले आजकल ये बहुत कम लोग करते हैं, गाँव में होता होगा, शायद शहरों में शायद ही कोई करता है, बहुत कम लोग करते होंगे। दूध ये दही को एक उसमें डंडी डाल करके बिलोना करते हैं जिससे उसका मंथन होता है और ऊपर मक्खन आ जाता है, उस मक्खन से घी बनता है। तो ये तीन तरीके हैं जो आमतौर पे काम लिए जाते हैं, जिसमें आजकल क्रीम वाला ज़्यादा लिया जा रहा है, मलाई वाला घरों में लिया जाता है और दही वाला बहुत कम काम लिया जा रहा है। क्या है कि आजकल आपने ऐसा सुना होगा कि घी 3-4 महीने में ख़राब हो रहा है, तो इसके पीछे दो कारण दिखाई दे सकते हैं। एक तो क्या है कि लोग क्रीम से घी बनाते हैं और मलाई से घी बनाते हैं। क्रीम वाला जो क्रीम जो है वो कच्चे दूध का है, वो दूध गर्म नहीं किया गया, और जो मलाई है वो गर्म दूध की है पर उस दूध का मंथन नहीं हुआ। तो एक तरीके से कोई कह सकता है कि दूध का से घी बनाने का एकदम सही तरीका है कि दही लो और दही का मंथन करो, उससे मक्खन ऊपर है, उससे घी बनाओ। तो हो सकता है कि ये इन तरीकों से बन रहा है इसलिए 3-4 महीनों में आजकल घी में बदबू आने लग जाती है। और अगर ये कारण नहीं है मान लेते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि गायों को इंजेक्शन दिया जा रहा हो, पर मैं जहाँ से घी लाता हूँ वहाँ पे गायों को इंजेक्शन नहीं दिया जाता, तो क्रीम और पर वो क्रीम से बनाया हुआ घी होता है तो वो भी 3-4 महीने खराब हो जाता है। तो गायों के इंजेक्शन का शायद कारण ना हो, कारण ये भी हो सकता है कि गाय जो आजकल चारा खा रही है वो चारा आता है किसी खेत से या किसी ज़मीन से। आजकल ज़मीनों पे क्या है, जो इंडस्ट्री है जो फैक्ट्रियाँ उनके जो केमिकल है वो ज़मीनों पे फेंक दिए जाते हैं, तो वो ज़मीन की मिट्टी मिल जाते हैं और वो केमिकल उस घास में आते हैं या उसमें जो अनाज उगता है उसमें आता है और वो हमारे शरीर में जाता है। तो हो सकता है गाय जो चारा खा रही है उसके कारण ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि दही से अगर आप बनाओ घी तो कभी खराब नहीं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जितना पुराना घी उतना अच्छा, 100 साल पुराना घी तो 100 गुना अच्छा है, मतलब कई बहुत गुना अच्छा। तो अगर घी खराब हो रहा है इसका मतलब घी सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो या फिर घी जिस चीज़ से बन रहा है उसके अंदर कुछ दिक्कत है। और एक लोग घी फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज वगैरह में रखने के हिसाब की चीज़ नहीं है घी। आप अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है, अगर सही तरीके से बनाए, सही दूध का बनाए, तो आप एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, जो कांच के मतलब कांच का एक डब्बा ले लो जिसको आप बंद कर दो तो हवा खराब नहीं हो, उस पर रखोगे तो खराब नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों में एक खास बात मैंने आपको बताई ये भी है, इनके बीच में एक तो क्रीम वाला कच्चे दूध का है, मलाई वाला गर्म दूध का है, पके हुए दूध का है, पर उसमें दूध का बिलोना नहीं हुआ, दूध का मंथन नहीं हुआ। तो जो इससे घी बनेगा, मंथन करके दूध का दही का जो घी बनेगा और जो मलाई से घी बनेगा, इनमें फ़र्क होएगा कुछ, तो क्योंकि उसमें मंथन हुआ, उसमें दही के कुछ अंश साथ में मंथन से ऊपर आएंगे, जबकि मलाई सीधा दूध के ऊपर से उठा ली गई थी, उसमें दूध के जो तरल पदार्थ है, दूध का जो लिक्विड वाला हिस्सा है उसके कुछ अंश ऊपर नहीं है मंथन के कारण, और क्रीम वाले में दूध गर्म भी नहीं है और ना अंश ऊपर है, तो ये फ़र्क हो सकता है। सही तरीका मेरे हिसाब से जो हमारे पूर्वज चलाते हैं वही सही तरीका है, दही हो उसको मंथन करो, बिलोना करो उसका, उस पर मक्खन है, मक्खन से घी बना लो, यही हमारे पूर्वज भी काम लेते हैं। इस वीडियो में तुम्हें यही नज़रिया दिखाना चाह रहा था कि घी को बनाने के अलग अलग तरीके और इनसे कुछ कुछ फ़र्क जो हम घी काम ले रहे उसमें आ सकता है, ये सारे हमारे शरीर में जाकर एक जैसे काम करें। क्रीम वाला घी जो कि दूध गर्म नहीं हुआ, मलाई वाला घी जिसमें दूध गर्म हुआ पर दूध का मंथन नहीं हुआ, और दही वाला जिसमें दही का मतलब उसके तरल पदार्थ का मंथन भी हुआ, ये सब हमारे शरीर में जाके एक जैसे काम करें ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर आप विज्ञान के हिसाब से देखोगे तो कैलोरीज एक जैसी होंगी, फैट कंटेंट एक जैसा होगा, सब में फैट एक जैसा रहेगा, वो सब ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है तीनों हमारे शरीर में जाके एक जैसे काम करें, क्योंकि इनके बनने का तरीका अलग अलग है।
सही तरीका वही है जो हमारे पूर्वज काम लेते हैं कि दही का मंथन करो, उसमें घी निकालो, उससे मक्खन निकालो, मक्खन से घी बना के खाओ। यार आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो में मिलूंगा।